तो दोस्तों, आपने सैंडविच तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको इंडिया का सबसे फास्ट एंड फ्यूरियस और यूनिक सैंडविच खिलाने वाला हूँ। इसकी मेकिंग देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और ऐसा यूनिक सैंडविच आपने कभी खाया ही नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये भैया, और भैया नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुमित हुआ। और सुमित जी, क्या ट्राई करवाइएगा मुझे आज? आज आपको हम एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस मलाई सैंडविच चकाचक बनाने वाले हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस, अरे वाह, बेस्ट मलाई सैंडविच। तो एक बार देखते हैं कि बनता कैसे है। ठीक है, तो अब इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, बहुत हाई लेवल का मेकिंग सैंडविच है ये। वाह जी वाह, काफी लोडेड और देसी सैंडविच है सर। ये ब्रेड कट गया है सर। हाँ, जाएगा एकदम बटर। अच्छा, बटर कौन सा यूज़ करते हैं आप? बटर न्यूट्रालाइट, चीज़ अमूल। यह आ गया सर थोड़ा खीरा। यह आ गया एकदम लाइट कैप्सिकम। अब थोड़ा ऑनियन। वाह जी वाह, स्पीड है, कितना फास्ट स्पीड है इसका। अब आपके लिए आ गया सर एकदम पनीर। अरे वाह, फुल ग्रेट। अब आएगा सर आपके लिए एकदम कोलकाता का सबसे बेस्ट। क्या ये, क्या ये? ये कोलकाता का सबसे बेस्ट मलाई है सर। अरे भाई साहब, क्या बात है, ये देखिए, मतलब मलाई को जो है एकदम प्योर तरीके से पत्तल पे निकालते। कैसे निकालते, घर पे निकालते हैं, बाहर से मंगाते हैं? ये दुकान से खरीद के आता है ये सर। अच्छा, दुकान से खरीद। बेस्ट मलाई है, असली मलाई ये होता है सर। अच्छा, ये देखिएगा इसकी मोटाई देखिए। वाह, ऐसा लग रहा है स्लाइस है। नहीं, ये चीज का स्लाइस है सर। वाह, तो ये कॉन्सेप्ट लाए कहाँ से आप? ये काफी टाइम से चल रहा है सर। ये यहाँ पे रबड़ी का मेरा यहाँ बगल में दुकान है। अच्छा, उसी मलाई से ये सैंडविच बनता है सर। ये क्या गया उसको? ये वेजिटेबल स्टफिंग, ये थोड़ा आलू का स्टफिंग। अच्छा, अब आएगा एकदम लोटेड चीज। वाह जी वाह, मतलब ये क्या है, तो पनीर चीज मलाई वाला सैंडविच है ना, एकदम देसी सैंडविच। और ये देख कितना सारा भर दिया, एकदम बिल्कुल एकदम, ये शानदार सा लग रहा है देखने में। ये एकदम जाइजेंटिक सैंडविच है सर। वाह 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 जी वाह। ये आया ऊपर से मक्खन, ये बटर, ये थोड़ा कैप्सिकम। हाँ, और फिर से आएगा इसके ऊपर में, अब जाएगा थोड़ा थोड़ा ग्रीन सॉस। अच्छा, ये ग्रीन सॉस है, बहुत सुंदर। ये आया मलाई का, एकदम मलाई का टॉपिंग। वाह, अब इसका प्रोसेसिंग एकदम कंप्लीट हो गया सर। अच्छा, अब इसको ऊपर से बंद करेंगे। अब ये पंच, ये इतना मोटा क्यों रखते हैं इसका ब्रेड का स्लाइस? ब्रेड का मोटा स्लाइस इसलिए रहता है कि जितना इसमें मटेरियल है वो फटे नहीं, ब्रेड नहीं फटेगा सर। अच्छा जी, काफी लोडेड सैंडविच होता है। वाह, तो लोग पसंद करते हैं इसको? सब सब सब। आप लोग पटना से आए क्या? चलिए, ये आया इसके अंदर में, अब पैक करेंगे इसको। और अब क्या होगा ये? अब ये सीखेगा सर, अब ये सीखेगा। ये आ गया अब इस पर, और टाइम कितना लगेगा इसको? बस 2 से 3 मिनट। 2 या 3 मिनट में भाई साहब, ये चीज़ आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, आपको मलाई सैंडविच कोलकाता में ये सैंडविच तो कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। वाह, तो ये देखिए शानदार सा एकदम आग छोड़ता हुआ फायर वाला मलाई सैंडविच आ चुका है, और इसको करेंगे हम लोग टेस्ट। अब दाम कितना होता है इसका? दाम, इसका दाम सर 120 मिल रहा। नहीं आपको ये? एड्रेस की बात करें तो एड्रेस कहाँ पे ये? एड्रेस ये बड़ा बाजार, बांसतला मोड़, कलाकार स्ट्रीट। बहुत सुंदर, तो कटिंग कर रहे हैं इसको अभी, पानी स्टैंड के पास। हाँ जी, बीकानेर पानी स्टैंड के पास। तो रेगुलर कस्टमर आप लोग हैं? हम लोग परमानेंट कस्टमर है। अच्छा जी, डेली का खाना है, नहीं खाते आवाज़ देके बुला ली। अच्छा, ऐसा है? हाँ। वाह, यहाँ से निकलना मतलब ये सर्विस खा के निकलना है। खा के निकलना है, तो यहाँ कस्टमर बहुत खुश रहते हैं इनसे, क्योंकि इनकी मतलब मिठास इनकी इनके आवाज़ में भी है और मुस्कान में भी है। मिठास होता है, इसकी आवाज़ में मिठास है। वाह जी वाह। अब ये अब जाएगा इसके अंदर में। अच्छा, ये आएगा अब बटर, अब निकलेगा फायर। ओहो हो, इसी नाम पड़ा इसका, नहीं फायर वाला? फायर एंड फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस, बस तो खाली है। अब इसका मेकिंग हो गया, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट पूरा, अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको उतारा जाएगा। उतारेंगे और सर्व कैसे करते वो दिखाते हैं आपको। दिखा रहे सर, इसमें का सबसे खास चीज़ है सर ये मेरा प्लेट। अच्छा, प्लेट देसी प्लेट है सर वो। अच्छा, वो पत्तल होता है? वाह, ये कटिंग की है, और ये देखिए पत्तल आया इनका, और इसमें हमको सर्व करेंगे ये प्यारा सा। और चीज़ जाएगा सर, हुआ मोस्ट लोडेड चीज़ मलाई। तो बताइए दोस्तों, आपने कहाँ पे ऐसा चीज़ बर्गर मतलब मलाई बर्गर खाया है, मलाई टोस्ट खाया है? अगर खाया है तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। धनिया चटनी। हाँ। ये लहसुन चटनी। हाँ। ये टमाटर की चटनी सर। बहुत सुंदर, और अब करते हैं लोग टेस्ट, बताते हैं किसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए, बन के रेडी हो गया बिल्कुल। इज द बेस्ट यूनिक मलाई सैंडविच, बेस्ट यूनिक मलाई सैंडविच, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एकदम। चलिए आइए करते हैं टेस्ट इसको अब। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ कस्टमर खा रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट जो है वो कैसा लगता है।
मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम। और क्या फीडबैक है जगह का? नहीं, यहाँ का हम लोग को बहुत पसंद है। यहाँ का सैंडविच, हम जब बड़ा बाजार आते हैं यहाँ का सैंडविच जरूर खा के जाते हैं। अच्छा, क्या टेस्ट लगता है आपको यहाँ पर जो और पटकलकत्ता में नहीं मिलता है? नहीं, बड़ी बड़ी जगहों का टेस्ट अलग है, यहाँ का एकदम घर जैसा टेस्ट लगता है। अच्छा, तो ऑलमोस्ट हमारा प्लेट जो लग चुका है और अब करते हैं हम लोग टेस्ट, बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों, फाइनली आ चुका है हमारे पास बॉम्बे सैंडविच का फेमस, वर्ल्ड फेमस फास्ट एंड फ्यूरियस वाला मलाई सैंडविच। और मलाई सैंडविच में आज तक कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, मलाई का टेस्ट कैसा निकलने वाला है, क्या होने वाला है पता है। यहाँ पे दिया गया ये धनिया का है, लहसुन का है और यहाँ पे मीठी चटनी है। बिना डिप किए इसको टेस्ट करते हैं ताकि समझ में आए कि इसका टेस्ट जो है वो बाकी में है कैसा। आइए, मुँह में लगा मेल्ट हो जाएगा आपको, दूध का फ्लेवर, हल्का सा मिल्क का फ्लेवर आपको आएगा क्योंकि मलाई यूज़ किया गया है, साथ में चीज़ है और बहुत सारे वेजिटेबल्स है, बहुत फेमस है आज। हाँ जी, आज ये बारिश के कारण से भीड़ यहाँ पे कम है, वरना संडे के दिन में ना आपको कम से कम एक घंटा वेट करना पड़ेगा यहाँ का सैंडविच खाने के लिए। तो हम ख़त्म करते हैं अपने पूरे प्लेट को, क्योंकि अब बात नहीं करेंगे, टेस्ट बहुत शानदार है। ख़त्म करते हैं पूरे प्लेट को और मिलते हैं आपको एक नई जगह पर। कोलकाता का फूड सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो हमारे पेज पे आती रहेगी आपके आपके लिए। तो इस वाले वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको एक नई जगह। तब तक के लिए क्या, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ख़त्म करते हैं प्लेट को, मिलते हैं, बाय बाय।